इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क और पीओ मेंस के लिए कंप्यूटर के कुछ सवाल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब की कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो पार्ट है, पार्ट 6 है, चैनल पे पार्ट 1 से 5 है। आप उन पार्ट्स को भी यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो रिक्वेस्ट है कि उनको भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये है कुछ मेरे बारे में। आप चाहे तो मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने क्वांट या रीजनिंग का डाउट जो है पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट्स कॉल्ड प्रोग्राम। ओके, इसका आंसर है ए। सवाल नंबर 2, द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और इंटरनेट एग्जाम्पल है पैकेट स्विच नेटवर्क। इसका आंसर है सी। द फाइल दैट इज लिंक्ड विथ एन ईमेल एंड सेंड टू रिसीवर ऑफ द ईमेल इज रिफर्ड टू एज, जब आप ईमेल में कोई फाइल भेजते हो और तो उसको कहते हैं अटैचमेंट। ओके, तो इसका आंसर है बी। ए डी एस एल इज अ एब्रीविएशन ऑफ, तो ए डी एस एल का फुल फॉर्म है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आंसर सी। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं हर एक वीडियो के बीच बीच में ऐसे कुछ थियोरिकल पोर्शन होगा वो भी मैं डालता रहूँगा, ताकि आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ठीक है। तो ये कीज हैं जो आपको याद रखनी है, जो एक्सेल में यूज होती हैं। बाकी तो नॉर्मल है। एक आप ये याद रखिएगा, कंट्रोल के का यूज होता है इंसर्ट लिंक करने के लिए। उसी तरीके से वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज हैं, ये भी आप याद रखनी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज करते ही एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको याद जो है वो हो जाएंगी, और काफ़ी तो आपको याद ही होगी। सवाल नंबर 5, इफ यू चेंज विंडोज 9.8 ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज XP तब आप क्या करेंगे, तो अपग्रेड करेंगे। अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज होता है टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। तो आंसर है इसका डी। अ वेब ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ अन वन और मोर वेब पेजेस लोकेटेड ऑन वेब सर्वर, उसको बोलते हैं साइट, तो वेबसाइट, ठीक है ना। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, लिनक्स इज एन ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक इज अ प्राइमरी की दैट ऑल्सो अपियर्स इन अनदर फाइल, तो इसको कहते हैं फॉरेन की। ये जब की है, जब वो डेटा मैनेजमेंट का एक पोर्शन होता है उसमें आता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे जब वीडियो आएंगे उसमें, ठीक है। अभी आप याद रखिएगा कि फॉरेन की जो है वो प्राइमरी की होती है, दैट ऑल्सो अपियर इन अनदर फाइल। तो इसका आंसर है सी। द ओ एस आई मॉडल इज डिवाइडेड इंटू ब्लैंक प्रोसेस कॉल्ड लेयर्स, तो ओ एस आई मॉडल जो 7 लेयर में डिवाइड होता है। इसका आंसर है सी। तो इस वीडियो में इतने 10 सवाल। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।